चिंता बढ़ाउछि दिल्लीर वायु प्रदूषण। दीपावली पूर्वरु दिल्ली रे वायु प्रदूषण उत्कट स्थिति रे पहुंचिछि। प्रतिवर्ष परि चलित वर्ष मध्य शीत आरंभरु प्रदूषित होइछि दिल्लीर वायु। धुआं एवं धूलीर आस्तरण एपरि जमि रहिछि जे 100 मीटर परे कौन रहिछि रास्तारे दृश्यमान हेउ नाही। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुयायी दिल्लीर वायु गुणवत्ता गुरुतर स्थिति रे रहिछि। दिल्ली रे हेबाकु थिबा विश्वकपर परवर्ती मैच बांग्लादेश एवं श्रीलंका मध्यरे 6 नवंबर हेबो। एही मैच रे मध्य आतशबाजी हेबो नाही बोली सूचना मिलिछि। बड़ी ही पॉल्यूशन है, कंट्रैक्शन चल रहा है, चारों तरफ लोगों के आंखों में जलन है, बीमारियां हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि दिल्ली को डस्टबिन बना दिया गया, पॉल्यूशन ग्रस्त दिल्ली हो चुकी है, चारों तरफ पॉल्यूशन की भरमार है। लोधी रोड रे वायु रो गुणवत्ता 438 रहितबा बले 491 रहिछि जहांगीरपुर रे। सेहिपरी 486 रहिछि आर केपुरम अंचल रे एवं आईजीआई विमान बंदर रो 473 रहिछि। बारंबार बैठक करिले सुधा किछि सुफल मिले नाही। अन्यपटे सुप्रीम कोर्ट मध्य पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी केंद्र सरकार को नोटिस करी जवाब मागिछंती। कुहाजाउछि प्रतिवर्ष परि चलित वर्ष मध्य पंजाब हरियाणा रे पराली जळिबा दिल्लीर वायु प्रदूषणर मुख्य कारण। अनेक गुडिये प्रकल्प जारी रहिछि, गाडी मानंकर धुआं मध्य एक कारण हेउछि। आगामी सप्ताह पर्यंत एपरि स्थिति जारी रहिबो बोली दिल्ली सरकारक पक्षरु कुहाजाइछि। एपरि स्थिति रे स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउछि, आखि पोडिबा सहित श्वास रोगीक संख्या वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। दिल्ली रे वायु प्रदूषण दिनकु दिन खराब हेबारे लागिछि। आजि परिस्थिति असंभाल होइ पडिथिबार अनेक कटकणा जारी करा जायछि। समस्त सरकारी ओ घरै प्राथमिक स्कूल को 2 दिन पई बन्द करबाकु दिल्ली सरकार घोषणा करछन्ति। ऑनलाइन रे पाठ पढा लागि विद्यालय गुडी को परामर्श दैछन्ति। दिल्ली सरकार समस्त प्रकार अन अत्यावश्यक निर्माण कार्य को निषिद्ध करछन्ति। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।